तो अपने दोस्तों के साथ मकर संक्रांति मनाने के बाद मैं जा रहा हूँ अभी अपने घर पे, तो फटाफट से चलते। एक सेकंड, ये क्या, ये टाइटन यहाँ पे कैसे आ गई? अबे ये टाइटन मेरे घर के सामने क्या कर रहे हैं? अबे रुको, तुझे देखना पड़ेगा, फटाफट से गाड़ी पार्क पे लगाते। ये क्या चल रहा है, ये लावा टाइटन और एक सेकंड आइस टाइटन भी है। अभी ये दोनों मेरे घर के सामने क्या चल रहे हैं? अभी ये क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी कितने ज्यादा बड़े है। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे गैराज में यार मस्त सी चीज पड़ी है जिनसे मैं पता कर सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फटाफट से इसमें उड़ के अपन चलेंगे और देखते यार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। भाई ये सामने मेरे देखो भी कितने ज्यादा बड़े और मेरे जस्ट घर के सामने ही खड़े। अरे टाइटन भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी ये ब्लू टाइटन नीचे क्यों गिरा पड़ा है? आइस टाइटन, मैंने बोला था तू मेरे से नहीं जीत सकता। इस लॉस सेंटोस पे सिर्फ लावा टाइटन का राज होगा। मैं तेरे से बदला जरूर लूंगा पर राज नहीं। तू तो चल भी नहीं सकता, क्या बदला लेगा? चल अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। अबे ये क्या चल रहा है, रुको मुझे आइस टाइटन से बात करनी पड़ेगी, फटाफट से यहाँ पे लैंड कर लेता हूँ। अरे आइस टाइटन भैया क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन हमारी मदद करो। अरे क्या हो गया? अरे यार मैंने लावा टाइटन से लड़ाई करी थी, उसने तो मेरी बारह बचा दी, मैं चल फिर भी नहीं पा रहा। अरे तो मैं कैसे आपकी मदद करूँ, मैं आपको चलना सिखाऊँ क्या? नहीं तुम मेरा एक काम करो, तुम मेरे दोनों भाइयों को बुला के लाओ। क्या आपके भाई? अरे वो तो 100 साल से दिखे भी नहीं है। अरे यार मुझे नहीं पता, तुम उनको बुला के लाओ वरना मैं मर जाऊंगा। अरे क्या मर जाओगे? अरे जल्दी बुला के लाओ। अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे उनको ढूंढना भी तो पड़ेगा। अरे गाइस अगर इस आइस टाइटन को बचाना है तो इनके भाइयों को ढूंढ के लाना पड़ेगा और वो पता नहीं कहाँ है, मुझे भी नहीं पता है। तो गाइस फटाफट से चलते हैं और आइस टाइटन के भाइयों को यहाँ पे बुला के लाते ताकि आइस टाइटन को बचा सके। तो मुझे पता चला है कि ग्रीन गॉड टाइटन यार वेकेशन पे गया हुआ है और वो सामने मुझे दिख चुके है। वो देखो पानी में कैसे लेटा हुआ है। अबे उसका भाई वहाँ पे पिट रहा है और यहाँ पे आराम से पानी में लेटा हुआ है। ग्रीन गॉड टाइटन, अरे मेरी बात सुनो। अरे लगता है इसके पास मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, मुझे इसके पास जाना पड़ेगा यानी इसके ऊपर जाना पड़ेगा। चलो फटाफट से चलते, ये तो मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहा होगा। ग्रीन गॉड टाइटन मेरी बात सुनो। अरे कौन है यार, परेशान मत करो मुझे, सोने दो। अरे सोने क्या दो, वहाँ पे आपका भाई पिट रहा है। अरे कौन सा भाई? अरे आइस टाइटन, लावा टाइटन ने उसकी हालत खराब कर दी है, वो चल नहीं पा रहा है और अगर आप उसके पास नहीं गए तो वो मर जाएगा। अरे हाँ मरने तो यार, अभी मुझे नींद आ रही है, सोने दो। क्या नींद आ रही है, मरने दो? अबे के पागल है, तेरा भाई मर जाएगा। अरे हाँ यार सोने दो अभी, जाए यहाँ से। अरे यार देखो पता नहीं लावा टाइटन ने क्या क्या बोला तुम्हारे बारे में। अरे हाँ ठीक है ठीक है। और उसने तुम्हारे बारे में भी बहुत गलत गलत बोला था। अरे हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि लावा टाइटन ने बोला था ग्रीन टाइटन को कि वो बहुत ही ज्यादा मोटा है और उसे चला नहीं जाता, वो पूरा दिन खाना खाता रहता है। क्या मेरे को मोटा बोला? मैं मोटा नहीं हूँ। अरे हमको कैसे पता, मुझे तो लगता है तू सही में मोटा है क्योंकि तू अपने भाई को बचाने के लिए उठ भी नहीं रहा यहाँ से। क्या अभी लो। अरे ये तो सही मोड़ गया। मेरे भाई को किसने मारा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लावा टाइटन ने मारा था। चलो चलो चलते। हाँ चलो बताओ कहाँ चल रहे? अरे हाँ मैं लेके चलता हूँ, चलो चलो। तो अभी इस ग्रीन गॉड टाइटन को मैंने मना लिया और इसको लेके चलते हैं फटाफट से आइस टाइटन के पास। और अभी हमें एक और उनके भाई को ढूंढने जाना है, वो तो यार बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके पास जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है पर मुझे कैसे भी करके जाना तो होगा ही। ये लो आइस टाइटन आपका एक भाई आ गया। भाई क्या हो गया तुझे? अरे क्या बताऊं यार, लावा टाइटन ने बहुत मारा। क्या लावा टाइटन ने मारा? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चलो उसको मारने चलते। अरे हम उसको अभी नहीं मार सकते, पहले हमारे दूसरे भाई को भी बुलाना पड़ेगा ताकि तुम दोनों मुझे शक्तियाँ देके वापस पहले जैसा कर सको, फिर हम तीनों जाके उस लावा टाइटन से लड़ेंगे। अरे प्लान तो बहुत अच्छा है पर वो है कहाँ पे? अरे ये फ्रैंकलिन ले आएगा उसे। हाँ हाँ मैं ले तो आऊंगा पर वो मिलेगा कहाँ पे मुझे? अरे लड़की के साथ और क्या। अरे क्या बोल रहे हो यार? अरे नहीं 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 लड़की के साथ नहीं, वो 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 कहीं तो मिलेगा। अरे फ्रैंकलिन ये लो ट्रैकर, इससे तुम उसको ट्रैक कर सकते हो। क्या इस ट्रैकर से मैं ट्रैक कर लूंगा? अरे हाँ जाओ जल्दी से उसको लेके आओ। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन अगर तुम मेरी मदद करके मेरे दूसरे भाई को भी ला के दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगा। अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो गाइजर अभी हम जा रहे हैं फायर टाइटन को ढूंढने, इस ट्रैकर पे हमको पता चल रहा है वो कहाँ पे, तो फटाफट से उसको भी पकड़ के लाते हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे वो फायर टाइटन दिख चुका है और मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा है क्योंकि यार ये तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा पास में। और अभी हम आ चुके, एक सेकेंड, अबे ये तो पहाड़ में घुसा हुआ है। अबे ये तो पूरा की पूरा इसका शरीर पहाड़ में गया हुआ है। अरे रुको मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। फायर टाइटन गॉड क्या हाल है तुम्हारे? कौन हो तुम?
अरे मैं हूँ फ्रैंकलिन, आपके भाई ने मुझे भेजा है। कौन से भाई ने भेजा है? अरे वो आइस टाइटन, उसको यार बहुत बुरा मारा है लावा टाइटन ने, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। मैं क्यों मदद करूँ उसकी? अरे क्यों क्यों, आप उसके भाई हो ना। अच्छा ऐसा होता है क्या, भाई भाई की मदद करते हैं क्या? अरे हाँ भाई भाई की मदद करते हैं, भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ बात तुम्हारी सही है, पर मैं इस पहाड़ से बाहर नहीं निकल सकता। अरे क्यों नहीं निकल सकते? इस पहाड़ में मैं अटक गया हूँ, तुम्हें कोई बड़ा सा ब्लास्ट करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। बड़ा सा ब्लास्ट वो कैसे होगा? वो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, इस पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं बाहर निकल सकूं। क्या पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा? अच्छा ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। तो मेरे को तो सिर्फ एक ही आइडिया मिल रहा है इस पहाड़ को तोड़ने का और यार फायर टाइटन को बाहर निकालने का। मैं यार यहाँ पे बहुत सारी बस लगा खड़ी करने वाला हूँ चारों तरफ, और फिर इन पे बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दूंगा। तो गाइस अभी मेरे यहाँ पे बहुत सारी बस खड़ी कर दी है, फटाफट से इन पे यार बहुत सारे बॉम्ब लगा दो। जब तक मैं यार इस पे बॉम्ब लगाता हूँ, आप जाके यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार लिख देना वरुण द गेमर ओपी ताकि ये बॉम्ब ब्लास्ट बिल्कुल ढंग से हो जाए और ये पहाड़ पूरा का पूरा फूट जाए। फटाफट से सारे बॉम्ब में लगा देता हूँ, 3, 2, 1 बूम, और गाइस मैंने सारे के सारे बस फोड़ दिए और ये सारा का सारा ब्लास्ट हो गया। क्या ये निकल पाएगा बाहर? बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया, चलो अपने भाई को बचाते हैं। हाँ चलो चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस मैंने यार फायर टाइटन को पहाड़ से बाहर निकाल दिया, इसको लेके चलते हैं फटाफट से हमारे आइस टाइटन और ग्रीन गॉड टाइटन के पास। फटाफट से उधर लेके चलते हैं और उस लावा टाइटन को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे आइस टाइटन भैया ये देखो मैं आपके दूसरे भाई को भी ले। अरे फ्रैंकलिन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। छोटे तू टेंशन मत ले, हम आ गए हैं, अब तू ठीक हो जाएगा। अरे हाँ तू टेंशन मत ले, हम देखो ठीक कर देंगे। अरे हाँ तो अब करना क्या, प्लान क्या है? प्लान ये है कि ग्रीन टाइटन, फायर टाइटन और आइस टाइटन यानी कि मैं, हम तीनों मिलके अपनी शक्तियाँ मिला के उस लावा टाइटन से लड़ेंगे और उसको खत्म करेंगे। उससे पहले आप सब अपनी शक्तियाँ यूज करके मुझे पहले से ठीक कर दो, वरना मेरे पैर हमेशा के लिए कटे के कटे रह जाएंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया, पहले इसको ठीक करते फिर तुम तीनों मिलके लावा टाइटन को मारना। यस मजा आएगा। तो क्या सबके सब तैयार हो आइस टाइटन को ठीक करने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। एक सेकंड, तुम कैसे कुछ करोगे? अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो चीयर लीडिंग करूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे गाइस यार ये कौन सी शक्तियां मार रहे हैं इसके ऊपर? छोटे टेंशन मत ले, तू ठीक हो जाएगा। अरे भैया मैं तो ठीक हो गया। बहुत बढ़िया छोटे। अरे बाबा हम तीनों साथ हो गए वापस से। अरे हाँ हम कितने टाइम बाद वापस से साथ हुए, सब फ्रैंकलिन की वजह से। अरे थैंक यू, मुझे रोना आ रहा है गाइसर, हमने इन तीनों को साथ मिला दिया। चलो उस लावा टाइटन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ चलो नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। लावा टाइटन हम आ गए हैं, तूने हमारे भाई को परेशान किया, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ओहो इतने टाइम बाद तीनों भाई साथ में आए हो। तुम तीनों मिला के भी मेरे से बहुत छोटे हो, तुम्हें पता है ना। तूने मुझे मोटा बोला था ना, ये ले। बहुत बढ़िया भैया, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। बहुत बढ़िया छोटे, खत्म कर दे इसको। तो गाइस यार ये तो लड़ना भी शुरू कर दिया, सारे के सारे टाइटन इस पे हमला कर रहे हैं हमारे रेड लावा टाइटन पे। इसको बस कैसे भी करके हराना पड़ेगा क्योंकि यार ये लॉस सेंटोस पे बहुत ज्यादा यार हमला कर सकता है, ये पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को पिघला सकता है। अब मेरी बारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, साथ में मारो सब। बहुत बढ़िया साथ में मारो इसको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और एक गाइसर इन्होंने तो लावा टाइटन को नीचे गिरा दिया। बहुत बढ़िया चलो इसको खत्म कर देते। अरे हाँ खत्म कर देते। अभी नहीं, इसने हमारे सारे परिवार को बहुत तंग किया है, अब इसकी बारी है तंग होने की, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। भैया बचाओ। अबे ये कौन है? अबे 1, 2, 3, 4, 5 सर वाला लावा टाइटन। अबे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। अरे ये क्या, ये अभी तक जिंदा है? अरे क्या ये तो बहुत खतरनाक है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं हमें लड़ना पड़ेगा, आज हम लड़ेंगे जब तक जान। तुमने क्या सोचा था, तुम मेरे भाई को इतनी आसानी से मार लोगे? ऐसा नहीं हो सकता, हम आ चुके हैं। हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। अरे हम भी तैयार हैं।
तो आ जाओ फिर, देखते हैं कौन जीतेगा। अरे टाइम प्लीज लड़ाई अगली पार्टी में होगी। अरे गाइस यार ये लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच चुकी है, ये पांच सर वाला टाइटन गॉड भाई यहाँ पे आ चुका है, वो भी लावा वाला। तो गाइस यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्या हमारे तीन टाइटन एंड पांच सर वाले लावा टाइटन गॉड से जीत पाएंगे? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, और अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से जाके कमेंट में बता दो, और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।